कभी नहीं हम लोग के मन में था ये। आज मुख्यमंत्री के रूप में जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी, जिस सूची में हर तबके के लोग थे, तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे, और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी लेकिन उनको दिखी। मैं क्या करते कि उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टिदोष इसी को कहते हैं, दृष्टिदोष ऐसी। अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती, भाई आखिर वो भारत की नागरिक है, उनको आने का अधिकार है। और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मित कर लेंगे? और अगर विस्मित कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से? योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक है। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिव द्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतुबंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा, नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। ये भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है, पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए 1947 में देश का विभाजन उन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि देखो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और कटना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो, जिसकी भारत में आस्था नहीं हो भारत में क्यों रहेगा, वो जाए ना रास्ता वहां का नापे वहां का, जहां को जाना है क्यों भारत में बोझ बनोगे। क्षेत्रफल दिया, ज्यादा दिया गया, आबादी का